अब चॉकलेट का इसका कोई जवाब नहीं है भाई। पहली बार में मलेशिया की चॉकलेट खाऊंगा इस पहली बार। इसके पीछे भी ये देखिए लिखा हुआ है मेड इन मलेशिया। बात ये भी लग रही है मामा जी, मामा जी ये वाली है ज्यादा अच्छी है इंडिया वाली अच्छी। सो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज तो है संडे और गाइज फिलहाल दिन के 3:30 बज चुके हैं और गाइज मैं फिलहाल ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज चॉकलेट्स खाना किसका फेवरेट नहीं है, गाइज सबका फेवरेट है चॉकलेट्स खाना। लेकिन गाइज आज मेरे पास है चॉकलेट्स जो कि है मलेशिया की। गाइज ये चॉकलेट्स मलेशिया से लाई हुई है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखे गाइज ये दो चॉकलेट्स मलेशिया से लाई हुई है गाइज, मतलब एक्चुअली मेरे डैड गए थे मलेशिया उधर से वो लेके आया गाइज, तो देख सकते हो भाई मैं फर्स्ट टाइम किसी बाहर की चॉकलेट खा रहा हूँ गाइज। तो गाइज अभी फिलहाल चलते हैं ऊपर मामा जी के पास, उनको भी खिलाएंगे चॉकलेट और मैं भी खाऊंगा और देखते हैं भाई इनका टेस्ट कैसा है, मतलब इंडिया में जैसे चॉकलेट्स मिलती है वैसे टेस्ट है या फिर कुछ अलग टेस्ट है इनका। बाकी देखते हैं, मैं तो आप देख सकते हो मिल्क चॉकलेट विद स्ट्रॉबेरी फिलिंग, मतलब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फिलिंग है गाइस, और पीछे भी आप देख सकते हो भाई। पहली बार मैं मलेशिया की चॉकलेट्स खाऊंगा गाइस पहली बार। तो चलो चलते हैं ऊपर मामा जी के पास, उनको भी खिलाते हैं और मैं भी खाता हूँ और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा क्या है। चलिए चलते हैं भाई। तो जैसे कि गाइस आपने सिनेमैटिक शॉट्स देख लिए होंगे, तो गाइस सिनेमैटिक शॉट्स आपको कैसे लगे मेरे कमेंट में जरूर बताना। तो मामा जी करें स्टार्ट खाना। बिल्कुल खाना स्टार्ट करते हैं अभी। आपके पास कौन सा फ्लेवर है? पाइनएप्पल फ्लेवर, और मेरे पास है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो पहले आप खोलेंगे या ये खोलूं? आपको कौन सा पसंद है पहले ये बोलना, आप कमेंट में लिखना स्ट्रॉबेरी या पाइनएप्पल। यस, तो पहले आप खोले या मैं खोलूं? आप खोलिए। मैं खोलूं? इसके पीछे भी ये देखिए लिखा हुआ है मेड इन मलेशिया, जो कि आप देख सकते हो। ये देखिए, मतलब बाहर की चॉकलेट कभी खाई है या नहीं खाई? वो सब खाई लेकिन वो सब दूसरी थी, ये नहीं थी, ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी। तब देख के छोटे छोटे पीस टू पीस थे। तो चलिए गाइस इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। इस पे लिखा है शाबत। ये बाइब्लोस, तो आपको कौन सी पसंद है, बाइब्लोस या शाबत? चलिए गाइस खोलते हैं देखते हैं इसके ऊपर। एक तो पहले ये प्लास्टिक वाला कवर हटाते हैं। ओ भाई ये देखिए पूरी पैकिंग बिल्कुल अलग ही है गाइस, भाई ऐसा लग रहा है ये कोई टैबलेट्स है गाइस, चॉकलेट तो लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है वो कोई मेडिकल की टैबलेट है। किसी से बता इसकी पैकिंग देख सकते हो गाइस। तो चलिए खोलते हैं भाई इसको देखते। ओ भाई तो देखिए गाइस कैसी पैकिंग हुई है, मतलब एक एक पीस टू पीस इसमें इसके अंदर स्पेस बनाई हुई है गाइस रखने के लिए। बहुत यम्मी दिख रही है। पहले मैं खाऊं या मामा जी को खाने दे, क्या करें गाइस बताइए आप? वो ऑडियंस तय करेगी, आप नहीं, ऑडियंस ये तय करेगी कि पहले बड़े खाते हैं उसके बाद में छोटे खाते हैं। आप खा के देखिए, ये देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है पल्प। हाँ हाँ हाँ, पूरे मुंह में स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी आ रही है, स्ट्रॉबेरी वाली फील आ रही है। टू गुड मामा जी, ये वाली है ज्यादा अच्छी है इंडिया वाली अच्छी? दोनों सेम ही है, अपने इंडिया का भी कोई कम नहीं है लेकिन ये भी अच्छी है। चलिए अभी मैं खा के देखता हूँ भाई इसका टेस्ट कैसा क्या आता है। भाई लिटरली इसका टेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल टेस्ट है गाइस, इसमें मतलब खाते अंदर इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ना गाइस, तो खाते मुंह में पूरा स्ट्रॉबेरी वाला फील आ गया। बाकी बहुत नेक्स्ट लेवल चॉकलेट है गाइस, टू यम्मी गाइस, बहुत बहुत अच्छी चॉकलेट है गाइस सच में। चलिए स्ट्रॉबेरी वाली फ्लेवर की चॉकलेट तो खा ली, अभी खाते हैं पाइनएप्पल वाली देखते। ये मेरा वाला फ्लेवर है, ये भी मेरे ख्याल से सेम पैकिंग ही होगी गाइस, जो कि देख सकते हो सेम पैकिंग है भाई। बात ये भी लग रही है मामा जी, ये देखिए। रुको रुकिए, स्ट्रॉबेरी वाले पहले आपने खाया, अभी ये मेरे को दीजिए पहले। चलो ठीक है, स्ट्रॉबेरी वाले पहले इन्होंने खाया ना, अभी ये मेरे को दीजिए। ये है पाइनएप्पल भाई, सेम गाइस जैसे कि स्ट्रॉबेरी वाली खाई थी ना, इसको खाने के बाद मुंह के अंदर पूरा पाइनएप्पल वाला टेस्ट आ रहा है गाइस। बाकी देख सकते हो टेस्टी तो बहुत है, बहुत टेस्टी चॉकलेट। तो चलिए गाइस फाइनली दोनों चॉकलेट्स टेस्ट करके देख लिए भाई, दोनों का टेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल था। तो मामा जी क्या कहना चाहोगे इस चॉकलेट्स पे आप? अब चॉकलेट का इसका कोई जवाब नहीं है, और अगर मेरी ऑडियंस खाना चाहती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, आपको ये एक एक बॉक्स आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। नहीं नहीं, एक लाइक पे एक चॉकलेट गिफ्ट। हाँ चलो गाइस
तो आज का ये हम वीडियो यही करते हैं एंड, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे सब्सक्राइब करेगा उसका उधर ये एक चॉकलेट का डब्बा मेरी तरफ से फ्री आएगा। अगर ये मेरा आपको ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय। ये हमारा मैन है जबर सिंह, जो बहुत ही ऑनेस्ट है, डिसेंट है और बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत बहुत होशियार बच्चा है भाई। हमारी हमारा बहुत ध्यान रखता है, बहुत साफ कभी बराबर रखता है, हमको पानी पिलाता है, हमको हमारा जो काम करता है वो कभी भी मना नहीं करता है, सब करता है। आई प्राउड ऑफ यू। भाई तारीफ करके खोल दी भाई इसको। गबरू जवाब है।